अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सर अहसन अब्दुल्ला पटेल, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पढ़ा रहा था। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे जनाब। अगर एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन और एक पॉइंट है एक्स टू वाई टू, तो इनका मिड पॉइंट बराबर होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। अगर इनका इंटरनल डिवीजन किया जाए पी वन पी टू का इन द रेशो एम वन रेशो एम टू, तो ये पॉइंट बनता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, और इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। अगर डिवीजन एक्सटर्नल है तो एम टू को नेगेटिव लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, ईजिएस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन सेकेंड ईयर एम सी क्यूज के लिए जाहिर है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ, पॉइंट दिया गया 5.7 एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट -17.-7 एक्स टू वाई टू। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, वैल्यूज पुट की 2 1 2 6 जाके आंसर हुआ 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए जो कि एक्स वन वाई वन हो जाएगा, बी जो कि एक्स टू वाई टू हो जाएगा इन द रेशियोज 2:5। तो ये हो गया एम वन, ये हो गया एम टू, दूसरे पार्ट में ये एम वन ये एम टू। पहले पार्ट में हमने एक्स वन वाई वन की जगह -3.7 रखना है और एक्स टू वाई टू की जगह 2.6 रखना है, एम वन एम टू की जगह 2 और 5 रखना है। जनाब पॉइंट ऑफ डिवीजन का हमने फॉर्मूला लगाया जो अभी आपको मैंने सिखाया है, वैल्यूज पुट कर दी, एड सब्ट्रैक्ट जो भी था कर दिया, आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट टू, कुछ भी नहीं किया, सारी वैल्यूज डाल दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 2.3, पॉइंट ए 7.4 इज वन एंड ऑफ अ डायमीटर ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। तो एक सर्किल है जिसपे सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट हमें दिया गया है 2.3 और ए बी डायमीटर है जिसमें ए पॉइंट पता है बी पॉइंट नहीं पता। हमने कहा सिंस सी, अगर ये पॉइंट सी है इज द सेंटर ऑफ द सर्किल दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट हमें पता है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई होता है वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो कॉर्नर्स होते हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और मिड पॉइंट होता है एक्स वाई। तो एक्स वन की जगह 7 डाल दिया, एक्स की जगह 2 डाल दिया, वाई वन की जगह 4 डाल दिया, वाई की जगह 3 डाल दिया, एक्स टू हमने एक्स सपोज किया है, वाई टू हमने वाई सपोज किया है जो कि अननोन है हमें, यहाँ से निकल जाएगी एक्स की वैल्यू और यहाँ से निकल जाएगी वाई की वैल्यू, देख सकते हैं आप। डायमीटर का अदर एंड जो है वो क्या बनेगा, -3.2 एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। डायग्राम बनाई हमने, हमने कहा भाई ए से सी तक की लेंथ दी हुई है 10 यूनिट्स, ए पॉइंट पता है बी पॉइंट पता है। अब हमें ये नहीं पता कि देखो 3 पॉइंट में से लाजमी सी बात है एक होगा पॉइंट ऑफ डिवीजन, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो उसमें से जो तीसरा पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है। तो हमने ए बी की लेंथ निकाल ली, ए बी की लेंथ कैसे आई, डिस्टेंस फार्मूला से 2.1 में आपको पढ़ाया गया है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ए हो जाएगा एक्स वन वाई वन, बी हो जाएगा एक्स टू वाई टू, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने ए बी की लेंथ निकाल ली। तो अगर ए बी 5 के बराबर है और ए सी 10 के बराबर है तो इसका मतलब ए बी ए सी का आधा है, जब ये आधा है तो बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो बिल्कुल पिछले सवाल के तरीके से जनाब मिड पॉइंट को हम ले लेंगे एक्स वाई, कॉर्नर्स को हम ले लेंगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, और बिल्कुल पिछले सवाल के तरीके से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे कि एक्स बराबर है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई बराबर है वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू।
एक्स की जगह हम डालेंगे 7, वाई की जगह 7, एक्स वन की जगह 3, वाई वन की जगह 4, और एक्स टू वाई टू जो कि हमें अननोन है उसकी जगह आ जाएगा एक्स और वाई। और बड़े आराम से हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की और वाई की। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है P3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ए एंड बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो मिड पॉइंट दिया गया है, कॉर्नर का एक पॉइंट दिया गया है और कॉर्नर का दूसरा पॉइंट निकालना है। ये सारी वर्किंग मैं आपको इधर करके दिखा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 18 में और 20 में, 21 में आई थिंक, सॉरी यस सॉरी 18 में और 21 में। 19 में कह रहे हैं द लाइन ज्वाइनिंग पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब तीन इक्वल हिस्सों में तोड़ा गया। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन की बेस्ट एग्जाम्पल है उंगली। देखें 1, 2, 3, तीन इक्वल हिस्सों में उंगली को तोड़ दिया गया है। तो अगर इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये बनेगा 1:2, और अगर इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये बनेगा 2:1। कि देखें दो हिस्से इधर एक हिस्सा तो 2:1, और अगर इसकी बात करूँ तो इधर एक हिस्सा इधर दो हिस्से तो 1:2। तो जनाब अगर ए पॉइंट की बात करें तो रेशियो लिया जाएगा 1:2, और अगर बी पॉइंट की बात की जाए तो रेशियो लिया जाएगा 2:1। जबकि पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला वही रहेगा m1x2 + m2x1 / m1 + m2 कॉमा m1y2 + m2y1 / m1 + m2। तो ए पॉइंट के लिए रेशियो लिया जाएगा 1:2, और पॉइंट ऑफ डिवीजन रिजॉल्व किया जाएगा। इसमें पी पॉइंट हो जाएगा x1y1, क्यू पॉइंट हो जाएगा x2y2। सॉल्व कर दिया पॉइंट ऑफ डिवीजन फॉर्मूला से। बिल्कुल ऐसे बी पॉइंट के लिए रेशियो लिया जाएगा 2:1, और पॉइंट ऑफ डिवीजन से हमने पूरा उसको सॉल्व कर दिया। तो ये थे बेसिक क्वेश्चंस जिसके अंदर हमें पॉइंट्स निकालने थे। अब आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे हमें रेशोज निकालने होंगे। तो